आदाब नाजरीन, SYF चैनल में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व एस्पिरेंट MLA बहादुरपुरा जनाब मोहम्मद यूसुफ दानिश ने कांग्रेस की जानिब से इनको बहादुरपुरे से टिकट ना मिलने पर कुछ दिन कबल अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए गांधी भवन में एक एहतजाज मुनज़िम किया था, लेकिन आज दशहरे के मौके पर अपनी नाराज़गी को दूर करते हुए गांधी भवन पहुँच कर तेलंगाना कांग्रेस प्रेसिडेंट जनाब रेवंत रेड्डी और सारे हिंदू भाइयों को अपनी तरफ से दशहरे की मुबारकबाद पेश की और इन्होंने तेलंगाना आवाम से पुरजोर अपील की कि इस बार अपना कीमती वोट कांग्रेस को देकर कामयाब बनाएं। साथ ही साथ इन्होंने मौजूदा हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आइए सुनते हैं आगे की तफसील कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ दानिश की जुबानी। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपके दरमियान में मैं मोहम्मद यूसुफ दानिश, सीनियर कांग्रेस लीडर, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, एस्पिरेंट MLA बहादुरपुरा। सबसे पहले आप तमाम हमारे रेवंत रेड्डी साहब को, जितने भी आवाम है उन सबको जो है मैं दशहरे की मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही साथ अब इलेक्शन बहुत ही करीब आ चुका है, मेरा मकसद ये है कि आवाम को जो है आगाह कराना है कि इस वक्त एक एक वोट कितना कीमती है और कितना अहम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में जैसा हमारे राहुल गांधी जी ने पदयात्रा कर घर घर पहुंच कर सच्चाई बताई, महंगाई बताई, महंगाई का मार बताया, इसी तरह हमारे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद जो कांग्रेस की लहर दौड़ी, कांग्रेस में ताकत और पावर आई हमारे रेवंत रेड्डी साहब की मेहनत और कावशों की तरफ से, तो मैं इसका जो है तमाम आवाम से ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन अब करीब है, सब दौड़ में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। मैं आपका जो है शुक्रगुजार रहूंगा, इसलिए कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आवाम में जो तकलीफ है उसको दूर किया जाए। जिस तरह से हमारी लॉकडाउन के बाद से आज भी हमारी कमर टेढ़ी है, सीधी नहीं हो पा रही है, ये कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटी वादे पब्लिक के दरमियान में लाकर बहुत ही अच्छा काम किए। जैसा कि BRS ने नकल मारी, झूठी नकल मारी, वो बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनको नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा बताना चाह रहे। लिहाजा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तेलंगाना की आवाम को, कांग्रेस को वोट दीजिए, एक एक वोट खून दिए। मैं जानता हूँ नौजवान बच्चे, माइनॉरिटी वाले, मेरे हिंदू भाइयों से तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस को मजबूती के साथ, भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाइए। और हमारे रेवंत रेड्डी जी जो मेहनत करे आपके दरमियान में आके, जितने कांग्रेस के पार्टी वर्कर थे अपने घरों में बैठे रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई ताकतवर बादशाह आएगा, कोई टाइगर जागेंगे, तो हमारे रेवंत रेड्डी जी का कदम हमारे तेलंगाना के लिए अच्छा साबित हुआ। उन्होंने आकर हमारे अंदर एक नई जोश की लहर पैदा की, नई ताकत उमंग पैदा करी। और आज देखिए हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह जो पब्लिक ये चाहती है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। बस कांग्रेस को वोट नहीं देने के लिए जो कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ हमारे BRS खासतौर पर तेलंगाना को, कि जो वो जो वादे करे शादनगर में, जो शादनगर में वादा करे 12% में रिजर्वेशन दूंगा, 4 महीने के अंदर ही हमारी पार्टी को जीत के बताइए बोले। आज जो है ना 9 साल से ज्यादा हो गए, आज भी जो है ना वादा झूठा रहा। अब जैसा कि लोन 1 लाख रुपए का लोन में बताता चलो, 1 लाख लोन के लिए इतनी पब्लिक 1 लाख के लिए बेचैन थी, शायद हमारे सबको मिलेगा माइनॉरिटी का। जब देखा गया तो बोले हम जो है इसके क्या बोलते वो लक्की ड्रा के जरिए हम निकाल रहे। फिर अब हाउसिंग बोर्ड जैसा कि हाउस घरों का देने का वादा करे, डबल बेडरूम, वो डबल बेडरूम भी जो ऐसा रहा कि उसको भी एक बार करे, पहले जब नहीं दे सके तो और एक बार इंक्वायरी करे, फिर जब नहीं दे सके तो और एक बार, यानी कि 3-3 बार इंक्वायरी करे। आप जाके देखिए जितने मुस्तहिक है उन किसी को भी जो है ना घर अलॉट नहीं हुआ, जिसके पास घर है उसको घर अलॉट हुआ, वो भी जो है
इसका निकलेगा हम उसी को देंगे। आप जाके पूछिए जितने ऑफिसरों से, भाई हमारा नहीं आया, पब्लिक पूछी हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। अब आप कई पुराने शहर में मेरे से आके बोले भाई हमारा नहीं आप करो, मैं बोला भाई आप वोट इनको देंगे, आगे कांग्रेस के जो है ना पास पूछेंगे, तो आप जो है ना टीआरएस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं आप सबको जो है आगाह करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, गली से लेकर दिल्ली तक इसका पावर है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लिहाजा जैसा कि हमारे असद भाई जो है एक बात बताए कि जो है हमारे केसीआर नए मामू से लट्टे मट्टे मामू को वोट दीजिए, उनके वादे झूठे, डबल बेडरूम देखिए, आज भी बड़ा नाती सफेद झूठ बोलते, आप देखिए कोई भी वादे उनके मुकम्मिल नहीं है। हमारे जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब कांग्रेस पार्टी में 2004 में जब इख्तियार किया है, हमारे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए इतनी जद्दोजहद करे, इतनी जद्दोजहद करे करके 4% रिजर्वेशन कोई बच्चा होना चल रही है भाई, आज देखो लाखों की तादाद में जो है ना फायदा हासिल हो रहा 4% रिजर्वेशन से। हाँ, लीडर हो शहर हो या नया शहर हो या तेलंगाना हो, ये तमाम एक बार कांग्रेस को जिता कर देखिए। ये जो इस्तीमा थे आपके जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए हमारे राहुल गांधी जी ने जो दिए, वो बराबर आपके घर तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ के मिलिए, कांग्रेस का एक वोट कीमती है भाई। आज की नौजवान नस्ल जाग उठी, मालूम हो गया सोशल मीडिया के जरिए, मैं सोशल मीडिया का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ, जो हर घर घर तक जो ना सच्चाई बताना चाहिए बता रही है, कई लोगों को सच्चाई से वाकिफ हो गए। अभी भी अगर इस बार आप नहीं देंगे तो आने वाली नस्ल जो है ना बहुत परेशान होने वाली है। लिहाजा बीजेपी को आप हटाइए, केसीआर को हटाइए, कांग्रेस को इख्तदार पे लाइए, फिर देखिए इंशाल्लाह। हमारी हमारा यकीन है ये कांग्रेस पार्टी बहुत ही वादा खिलाफी नहीं करती, वादे की पक्की और सच्ची है। आज तक जो जो वादे करे हमारे कांग्रेस पार्टी ने दी, और अभी भी जो 6 गारंटी वादे हैं, आप देखिए लेडीज को भी फायदा हो गया, इसमें स्टूडेंट को भी फायदा हो गया, घर में मतलब जो बूढ़े हैं उनको भी फायदा हो गया, और गांव किसान वालों को भी फायदा हो गया। यानी घर बैठे अगर 4 औरतें हैं तो 4ों को भी 8,500 रुपए आएंगे। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम लकी ड्रा निकाल के आपको देंगे, हमारे पास कोई लकी ड्रा नहीं रहता भाई। हर जो मुस्तैद है वहां तक हमारे इस्तीमा पहुंचाएंगे घर घर। हम भी जो है ना पुराने शहर भागीपुर में डोर टू डोर जो है ना हम कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। मैं तमाम तेलंगाना से और इस दशहरे के मौके पर तेलंगाना से, तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट वालों से उनसे भी गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस को भारी अक्षर से जिताइए, ये कांग्रेस पार्टी है। जय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारे रेवंत रेड्डी साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली शब्बीर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।